वेलकम बैक टू एयर यूट्यूब चैनल तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट टू जिसमें हम स्टोन से रिलेटेड एस एस सी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एस एस सी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज ऑप्शन ए ड्रेसिंग बी क्वेरिंग सी क्रसिंग डी सीजनिंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेरिंग तो क्वेरिंग तो जनरली हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें हम नेचुरल स्टोन या नेचुरल रॉक को कन्वर्ट करते हैं आर्टिफिशियल स्टोन में जिसको हम फर्दर यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या अदर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में तो क्वेरिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एस में कि वो कौन टूल सा टूल्स है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वेरिंग पर्पज़ के लिए तो वो होता है हमारे पास वेज ड्रिल जंपर पिन डीपर एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू द स्टोन इज नोन एज ऑप्शन ए क्वेरिंग बी सीजनिंग सी पिचिंग डी ड्रेसिंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ड्रेसिंग नेचुरल स्टेट में ओपन किए गए स्टोन को एजेटीज यूज ना करके उसको हम सेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल जिसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं जनरली स्पॉलिंग हेम्बर हम यूज करते हैं रफ स्टोन के लिए तो अगला क्वेश्चन है रॉक फ्राम ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड ऑप्शन ए सेलिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन बी इग्नियस रॉक ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी रॉक जो ऑरिजिनल स्ट्रक्चर में हीट और एक्सेसिव प्रेशर के कारण चेंज होकर फॉर्म होती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं तो अगला क्वेश्चन है द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन ए वॉल्कैनिक एंड प्लूटोनिक ऑप्शन बी मैकेनिकल केमिकल एंड ऑर्गेनिक ऑप्शन सी इंस्टोरिसिव एंड एक्सक्लोरिस ऑप्शन डी स्टेडिफाइड एंड अंस्टिफाइड इसका सही आंसर ऑप्शन बी मैकेनिकल केमिकल एंड ऑर्गेनिक तो सेडिमेंट्री रॉक्स को हम तीन टाइप से सब क्लासीफाई करते हैं मैकेनिकल केमिकल और ऑर्गेनिक तो ऐसी रॉक जो मैकेनिकल वैदरिंग के थ्रू फॉर्म होती है उससे हम मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं और ऐसी रॉक्स जो डिजॉल्व मटेरियल प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के थ्रू फॉर्म होती है उसको बोलते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स और ऐसी रॉक्स जो एक्मलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू फॉर्म होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स इसी तरीके से इग्नियस रॉक को हम तीन टाइप से सब क्लासीफाई करते हैं तो सब क्लासीफिकेशन ऑफ रॉक में इग्नियस रॉक को हम तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं वॉलैनिक हाइपर प्लूटोनिक द रॉक विच इज प्रजेंट एट द सर्पेस ऑफ बर्थ इज नोन एज वॉल्केकैनिक द रॉक विच इज प्रजेंट एट द सेलो डेप्थ इज नोन एज द हाइपर एंड द रॉक विच इज प्रजेंट एट द डीप डेप्थ इज नोन एज द प्लूटोनिक अगला क्वेश्चन है सैंड स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक बी मेटामॉर्फिक रॉक सी इग्नियस रॉक डी वॉल्केकनिक रॉक तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेडिमेंटरी रॉक अगला क्वेश्चन है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट इज अब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑप्शन ए फाइव परसेंट ऑप्शन बी टेन परसेंट ऑप्शन सी ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टेन परसेंट एक गुड बिल्डिंग स्टोन की क्वालिटी होती है कि वो लेस पोरस हो यानी कि कम से कम वाटर एब्जॉर्ब करे तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन को पाँच परसेंट से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए और अगर ये वैल्यू दस परसेंट तक जाती है तो उसको ऐसा कंस्ट्रक्शन परपज के लिए रिजेक्ट किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन ऑप्शन ए फाइव हंड्रेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी थाउजेंड के पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी फोर्टीन हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी टू थाउजेंड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वन थाउजेंड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और अगर इस वैल्यू को हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो ऐसे स्टोन जिसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए अगला क्वेश्चन है रॉक्स हैविंग एल्यूमिनियम और क्ले एट दियर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड ऑप्शन ए सिलीसियस रॉक ऑप्शन बी एलगलियस रॉक ऑप्शन सी सेडिमेंट्री रॉक ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्गेरियस रॉक तो ऐसी रॉक जिसमें हमारा मेजर कॉन्स्टेंट एल्यूमिनिया या क्ले हो उसे हम आर्जिलियस रॉक बोलते हैं तो अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायर्स ऑप्शन ए ग्रेनाइट ऑप्शन बी लाइम स्टोन ऑप्शन सी मार्बल ऑप्शन डी सैंडोन तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रेनाइट ग्रेनाइट जनरली हमारा एक प्लूटोनिक टाइप की रॉक होती है जो अर्थ से डीप डेप्थ में पाई जाती है जिसके कारण इसकी स्टेंथ ज़्यादा होती है इसलिए हम इसको बिल्डिंग पायर्स में यूज करते हैं अगला क्वेश्चन है द सोलडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑप्शन सी बेसाल्ट्स एंड ट्रैप्स ऑप्शन डी ग्रेनाइट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेसाल्ट्स एंड ट्रैप जनरली हमारे एक्स टूरिस्ट रॉक है जो इग्नियस टाइप का रॉक होती है और इन्हें हम वॉल्कनिक रॉक भी बोलते हैं जब मोल्टन मैग्मा वॉल्कनों से हमारे अर्थ सरफेस पे आता है तो अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने के कारण मॉल्टेन मैग्मा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में तब जाके हमारी इग्नियस रॉक फॉर्म होती है और इग्नियस रॉक जैसा हमने पढ़ा था दो टाइप की होती है एक्सटोरेसिव एंड इंस्टोरिसिव तो जो अर्थ सरफेस पे फॉर्म होती है वो एक्सटोरिशिव होती है और जो अर्थ सरफेस के अंडर फॉर्म होती है वो इंस्टोरिसिव होती है और जो हमारे वेसाल्ट ट्रैप ही हमारे एक्सटोरिसिव रॉक है जो इग्निय के टाइप अगला क्वेश्चन है मारवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए एक्वस रॉक ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक ऑप्शन सी सेडिमेंट्री रॉक ऑप्शन डी इग्नियस रॉक तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज इन द रबल मिशनरी ऑप्शन ए हार्ड ऑप्शन बी हैवी वेटेड ऑप्शन सी लाइट वेटेड ऑप्शन डी स्मूथ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्ड रबल मिशनरी भी हम हार्ड स्टोन का यूज करते हैं स्टोन मिशनरी मेनली हमारे पास दो टाइप की होती है एक होती है रबल मिशनरी सेकेंड होती है एस्लर मिशनरी ओ मशनरी वर्क जिसमें क्वेरिंग से ओपटिन किए गए इरेगुलर शेप और साइज के स्टोन को विदाउट ड्रेसिंग हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज में लाते हैं उस टाइप के मेशनरी वर्क को हम रबल मेशनरी वर्क बोलते हैं सेकेंड हमारे पास एसलर मेशनरी तो ओ मेसनरी वर्क जिसमें हम इरेगुलर स्टोन का यूज ना करके रेक्टेंगुलर स्क्वायर फाइन ड्रेस स्टोन का यूज करते हैं उस टाइप की मेसनरी वर्क को हम एसल वर्क बोलते हैं अगला क्वेश्चन है द एग्रीगेट विच इज ओपटेन फ्रॉम द सीज और रिवर एंड प्रोड्यूस मिनिमम वाइट्स इन द कंक्रीट इज नोन एज ऑप्शन ए एंगुलर एग्रीगेट्स ऑप्शन बी फ्लैकी एग्रीगेट्स ऑप्शन सी इरेगुलर एग्रीगेट्स ऑप्शन डी राउंडेड एग्रीगेट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राउंडेड एग्रीगेट तो जो हमारे पास राउंडेड एग्रीगेट होते हैं वो थर्टी टू परसेंट वाइड प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कंक्रीट में अगला क्वेश्चन है एन एग्रीगेट इज टू वी फ्लैक डायमेंशन इज लेस देन ऑप्शन ए वन बाई फिफ्थ ऑफ द मेन डायमेंशन ऑप्शन बी टू बाई फिफ्थ ऑफ द मेन डायमेंशन सी थ्री बाई फिफ्थ ऑफ द मेन डायमेंशन एंड डी फोर बाई फिफ्थ ऑफ द मेन डायमेंशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थ्री बाई फिफ्थ ऑफ मेन डायमेंशन जब किसी एग्रीगेट की लीस्ट डायमेंशन लेस देन हो थ्री बाई फिफ्थ ऑफ मेन डायमेंशन तब उस एग्रीगेट को हम फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं सिमिलरली सेकेंड टाइप का होता है हमारे पास इलॉन्गेटेड एग्रीगेट जब हमारे पास लेंथ ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन होती है 1.8 टाइम्स ऑफ मेन डायमेंशन तब हम उसको इलॉन्गेटेड एग्रीगेट बोलते हैं hmm. तो अगला क्वेश्चन है इफ़ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 फाइव एम एम एंड आर रिटेन ऑन द सीव ऑफ साइज सिक्सटी एम एम द एग्रीगेट्स विल बी नोन एज इलॉन्गेटेड एग्रीगेट इफ़ द लेंथ इज नॉट लेस देन ऑप्शन ए 81.5 एमएम ऑप्शन बी 91.5 एमएम ऑप्शन सी 101.5 एमएम ऑप्शन डी 121.5 एमएम तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 121.5 एमएम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे सब पहले रिक्वायरमेंट होगी मेन डायमेंशन की और मेन डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे सीव साइज के बेसिस पे तो हमें क्वेश्चन में दो टाइप की सीव यूज करी है एक है सिक्सटी एम एम की जिसमें हमारे एग्रीगेट रिटेन हो रहे हैं सेकेंड है 75 फाइव एम एम की जिसमें हमारे एग्रीगेट पास हो रहे हैं तो मेन डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी प्लस सेवनटी फाइव बाई टू इक्वल टू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव एम एम तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ इलांगेटेड एग्रीगेट हो जाएगा वो इक्वल तो टू हो जाएगा वन पॉइंट एट टाइम्स ऑफ मेन डायमेंशन तो ये इक्वल हो जाएगा सिक्स इन वन पॉइंट एट जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास वन ट्वेंटी एम एम अगला क्वेश्चन है द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ओपर फ्रॉम ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑप्शन सी इग्नियस रॉक ऑप्शन डी वॉल्कैनिक रॉक तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी वॉल्केकैनिक रॉक तो जब हमने इग्नियस रॉक को सब क्लासिफाई किया था तो ये तीन टाइप की थी वॉलकैनिक हाइपरबेसल एंड प्लूटोनिक। तो जो वॉल्केकैनिक रॉक है वो अर्थ सरफेस पे पाई जाती है हाइपरबेसल सेलो डेप्थ पे और प्लूटोनिक डीप डेप्थ पे तो जो सबसे लाइटर वेट की रहती है और सरफेस पे होगी जो हमारे पास वॉल्केकैनिक रॉक है तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ़ द स्टोन पर्जेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ ऑप्शन ए वन टू वन पॉइंट फाइव ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट जीरो ऑप्शन सी टू पॉइंट फोर टू टू पॉइंट एट ऑप्शन डी थ्री टू एट तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी टू पॉइंट फोर टू टू पॉइंट एट तो मोस्ट ऑफ द स्टोन कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो 2.4 से 2.8 के बीच में लाई करती है वो इन्हीं का यूज़ हम जनरली कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी की मीनिंग होती है कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर से कितने टाइम्स भारी है अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग ऑप्शन ए स्लेट ऑप्शन बी मार्बल ऑप्शन सी लेटराइट ऑप्शन डी ग्रेनाइट तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्लेट तो स्लेट को अगर हम जियोलॉजिकल फिजिकल और केमिकल बेसिस पर क्लासिफाई करें तो जियोलॉजिकल स्लेट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है फिजिकली स्टडीफाइड रॉक होती है और केमिकली आर्जेलियस रॉक होती है अगला क्वेश्चन है अ ऑप्शन ए सैंडी रॉक ऑप्शन बी सिलिसियस रॉक ऑप्शन सी ऑर्गेनिक रॉक ऑप्शन डी कैलकेरियस रॉक तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सैंडी रॉक तो अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ कॉर्च एंड फेल्स पर पार्टिकल्स इज ओप्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक ऑप्शन सी इग्नियस रॉक ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें